24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,751 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,751 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल आरटीपीसीआर के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 6,61,311 लोग COVID-19 से ठीक होकर घर जा चुके हैं। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की और या जीवन रक्षक अन्य दवाइयों की कालाबाजारी कहीं कहीं हो रही है। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के सभी ऐसे अपराधी जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि वह रेमडेसिविर या अन्य जनउपयोगी और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी अथवा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने की का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सारी संपत्तियां जब्त हों ताकि आगे वाले आने लोगों को सभी को इस प्रकार का संदेश उपलब्ध हो।